आलिया भट्ट की मां सोनी राजदन के बारे में तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पूजा भट्ट की असली मां की कहानी पता है? दरअसल पूजा भट्ट की मां किसी जमाने में टीवी की मशहूर मॉडल बन चुकी थी। कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि वो टीवी पर डालडा और लाइफ बॉय की एड फिल्मों में नजर आती थी। पूजा भट्ट की माँ का नाम था लॉरेन ब्राइट। लॉरेन की पुरानी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो उनके सामने आपको पूजा भट्ट की खूबसूरती भी कुछ खास नहीं लगेगी। महेश भट्ट की पहली बीवी लॉरेन बला की खूबसूरत थी और महेश भट्ट के साथ उनकी लव स्टोरी ठीक फिल्म आशिकी की तरह ही थी। जिस तरह फिल्म आशिकी में हीरोइन अनु अग्रवाल एक अनाथालय में रहकर पढ़ाई करती है, ठीक उसी तरह लॉरेन ब्राइट भी अनाथ थी और एक अनाथालय में रहकर पढ़ाई करती थी। उस जमाने में महेश भट्ट एक नाजायज औलाद की तरह मुंबई में पल रहे थे, जिनके पिता ने उनकी मां से शादी नहीं की थी। इसी दौरान नौजवान महेश भट्ट को लॉरेन से प्यार हो गया और वो उससे मिलने के लिए अनाथालय की दीवार लांग कर जाते थे। महेश भट्ट की इसी हरकत की वजह से लॉरेन को अनाथालय से निकाल दिया गया, जिसके बाद महज 20 साल की उम्र में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद लॉरेन ने अपना नाम बदल कर किरण कर लिया। 21 साल की उम्र में पूजा भट्ट का जन्म हो गया। उस वक्त तक महेश भट्ट का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। वो एड फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने लॉरेन को अपनी बनाई एक दो एड फिल्मों में कास्ट किया था। बाद में महेश भट्ट की फिल्में फ्लॉप होने लगी तो किरण और महेश भट्ट के रिश्तों में खटास आ गई और लॉरेन अपने पति को छोड़कर अलग रहने लगी। हालांकि महेश भट्ट हमेशा अपनी पहली पत्नी और पहली पत्नी से हुए दोनों बच्चों को अपने दिल के करीब मानते थे। यही वजह रही कि बाद में महेश भट्ट ने जब सोनी राजदन से दूसरी शादी भी की तो भी उन्होंने लॉरेन को तलाक नहीं दिया, बल्कि शादी के लिए वो इस्लाम धर्म अपना कर अशरफ भट्ट बन गए। यही वजह है कि आलिया को भट्ट सरनेम अपने पापा के मजहब की वजह से मिला है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।